सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सेंटर 2.0 को और बेल आइकन को प्रेस करिए सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे और अपना ध्यान सही से रख रहे होंगे। आज आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पूछा है कि सर आज कोई अपडेट नहीं आया, आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं किए। मैंने टेलीग्राम पर कल बताया भी था कि जब तक फाइनल अपडेट नहीं आता है मैं आपको कोई भी अपडेट नहीं देने वाला हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर इतने DMs आए हैं आप लोगों के। आप लोगों ने बोला है कि सभी स्टूडेंट्स, सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, सब पूछ रहे हैं कि सर आज कोई अपडेट नहीं आया, आपने कल भी कोई अपडेट नहीं दिया, आज भी कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन कल छोटा सा अपडेट था जो कि कंपलसरी था आप लोगों के लिए, तो मैंने आपको बताया था। तो आज आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो आई है। बाकी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं इस वीडियो में, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सभी अपडेट्स को। आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट है और प्रमोशन को लेकर भी काफ़ी बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पर आई है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जल्दी ही एक गिव अभी अनाउंस करने वाला हूं मैं अपने इसी चैनल के ऊपर आप सभी लोगों के लिए। 6000 की फैमिली हमारी हो चुकी है कंप्लीट, उससे ऊपर हो चुके हैं, तो मैंने पहले बोला था कि सरप्राइज़ आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं। तो मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोल पूछा है आपसे, पोल डाला है, तो आप लोगों को आपको जो भी चाहिए उसमें आप लोग दो ऑप्शन मैंने दिए हैं, तो आपको जो भी चाहिए उसमें आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ज़रूर क्लिक करिए, आपकी राय मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो अपडेट है आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से है। आगरा यूनिवर्सिटी में जो कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा या स्क्रीन के ऊपर, जो MBBS के एग्जामिनेशन थे 28 तारीख से, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है प्रमोशन को लेकर, तो मैं आपको सीधा ही वो क्लिप दिखा देता हूँ और उसको पढ़ के आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला जो अपडेट है आप लोगों के लिए, यहाँ पर ऑनलाइन PG की मौखिक परीक्षा, AKTU ने लिया छात्र हित में फैसला, विद विश्वविद्यालय भी ऑनलाइन मोड में आया। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाएगी, विद विश्वविद्यालय अगले माह ऑनलाइन कराएगा रिपीट परीक्षा। आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पर बस इतना बताया गया है कि छात्रों को थीसिस व डिजर्टेशन का मूल्यांकन व मौखिक परीक्षा 27 मई से ऑनलाइन आयोजित करवाई जाएगी। उन्होंने इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की है, बाकी आप लोग इसको पूरा ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विद विश्वविद्यालय सत्र 2019 तक की सभी सेमेस्टर की रिपीट परीक्षा जून में ऑनलाइन कराएगा। परीक्षा पिछले एक साल से प्रस्तावित थी लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाई, तो यहाँ पर ये ऑनलाइन इनका डिसीजन लिया गया। नेक्स्ट अपडेट एक और आ रही है आप लोगों के लिए, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आगरा यूनिवर्सिटी के लिए या फिर मेरठ से इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया, तो मेरठ के स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये न्यूज़ होने वाली है। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा बाकी सभी को करना पड़ेगा प्रोन्नत। ठीक है, तो CCSU हो या फिर दूसरे विश्वविद्यालय, सभी में फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स को प्रमोशन दिया जाएगा। परीक्षाओं के लिए अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। अगर संक्रमण कम होने पर 20 जून से भी परीक्षाएं कराई जाएं तो 20 अगस्त तक परीक्षाएं चलेंगी, फिर एक महीने में मूल्यांकन के बाद अक्टूबर में रिजल्ट जारी हो पाएगा। ऐसे में सभी दाखिला प्रक्रिया रुक जाएंगी और ऐसे में अब फाइनल ईयर की परीक्षा करवा कर और सभी स्टूडेंट्स को नए सत्र में एडमिशन हो जाए तो ही गनीमत होगी, तो ही सही रहेगा। ये चीज़ आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि भाई हर चीज़ बहुत लेट होती है यार ये कोरोना के चक्कर में, तो यहाँ पर प्रमोशन दिया जाएगा। मैं आपको बार बार हर बार कह रहा हूँ कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ाई ना छोड़ें और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी ना छोड़ें, लेकिन हाँ उनको प्रमोशन मिल जाएगा। संक्रमण कम हुआ तो 20 जून से पहले नहीं हो पाएंगी परीक्षाएँ, फाइनल ईयर की परीक्षाएँ ही कराए जाने का बच्चे का विकल्प। ठीक है, लगभग यहाँ पर 3,75,000 छात्रों को वार्षिक प्रणाली में है और 1,25,000 के करीब सेमेस्टर प्रणाली में है। सेमेस्टर की 30% परीक्षाएँ बची हुई हैं, जबकि वार्षिक प्रणाली वाले जो सिर्फ 2 पेपर हुए हैं, ऐसे में परीक्षाएं 2 महीने से पहले ख़त्म नहीं होंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रमोशन के लिए बताया गया है, CCSU की तरफ से ये चीज़ आई है। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके लिए यहाँ पर ये न्यूज़ होने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू होनी है नए सत्र से। मैं आपको काफ़ी सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2021 सेशन में अगले में लागू हो जाएगी। MBBS की परीक्षा स्थगित हो गई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। आगरा यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएँ थी 28 मई से उनको स्थगित कर दिया गया है। अब यहाँ पर भी रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर देख पा रहे हों
कि 2021-22 के प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर कुलपति जी ने प्रवेश सेल की 1 जून से ऑनलाइन मीटिंग प्रस्तावित की है, वहीं परीक्षा 20 जून के बाद कराने की तैयारी की है। इस में बात हो रही है 20 जून के बाद जो परीक्षाएं होनी है, फाइनल ईयर की परीक्षाएं होनी है। आगे इसमें यह भी बताया गया है कि फाइनल ईयर की परीक्षा कराने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को शासन की ओर से प्रमोट और परीक्षा को लेकर गाइडलाइन आने का इंतज़ार है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ बताई गई है, प्रमोशन आपको मिलने की खबर यहाँ से भी आ चुकी है। बाकी पूरी ही अपडेट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आप अगर आप लोगों को पूरी ही डिटेल में पढ़नी है तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी पूरी ही अपडेट। ठीक है, ये बताइए कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप लोग सीधा ही इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मैं आपकी सभी रिप्लाईज करता हूँ वहाँ पर। और टेलीग्राम पर अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। वीडियो नहीं बनाता हूँ लेकिन वहाँ पर अपडेट्स आपको दिन में, पूरे दिन में बहुत सारी मिलती रहती हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।